सो so गाइज़ अब हम स्टडी करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो यहां पे मेरे पास चार केसेस हैं एक केस पे है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एक केस पे है हमारे पास नेगेटिव चार्ज और एक केस में हमारे पास इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज और एक केस में है हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमें एक रूल पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड सेट नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होता है नेगेटिव चार्ज पे तो यही चीज हम यहां पे देख रहे हैं कि यह है पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रहा है यहां से इस तरीके से तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन कैसा है ये डायरेक्शन है रेडियस के अलोंग और आउटवर्ड तो नीचे लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज अब इसी तरीके से हम नेगेटिव चार्ज देख लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में हमें पता है कि ये एंड होता है नेगेटिव चार्ज पे तो ये हमारा एक नेगेटिव चार्ज और इसकी और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रहे हैं तो ये सारे जितने भी लाइन है दे आर गोइंग टूवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज अब यहां पे हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनता है इस तरीके से और नेगेटिव के लिए बनता है इस तरीके से अब ये क्या है कि यहां पर ये दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वही चीज यहां पे हो रही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला रूल बोलता है कि ये लाइन स्टार्ट होते है पॉजिटिव से एंड होते नेगेटिव पे तो यही चीज हम देख रहे हैं कि ये लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव पे एंड हो रहा है और इसी तरीके से ये बाकी के जितने भी लाइन हैं ये सा सारे लाइन कैसे हैं ये सारे के सारे लाइन यही शो कर रहे हैं कि स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव से और ये जा रहा है नेगेटिव पे तो सभी लाइन में हम यही नोटिस कर रहे हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव से और ये एंड हो रहा है नेगेटिव पे तो सभी जगह हम यही चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं अब यहां पे अगर हम ध्यान दें तो यहां से आप निकल रहे कुछ इस तरीके के लाइंस अब ये लग रहा है कि ये तो कोई सा लाइन है और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होना चाहिए तो अगर इसे हम देखें तो ये होगा कुछ इस तरीके से और ये जाएगा वापस नेगेटिव चार्ज पे तो अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इस पॉइंट के लिए तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा बहुत हाई और अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ देखें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा बहुत ही कम अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब यह है कि हमने कोई भी पॉइंट डाला तो वो पॉइंट इस ट्रेजेक्ट्री के लॉन्ग मूव करेगा लेट से कि मैंने कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज डाला तो यूनिट पॉजिटिव क्या है पॉजिटिव से रिपेल करेगा और पॉजिटिव रिपेल करते 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 वो कहां पे जाएगा पॉजिटिव को जाना है नेगेटिव पे तो हमारा कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने डाला तो वो इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते करते नेगेटिव चार्ज पे तो अब हम स्टडी भी कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड सेट नेगेटिव चार्ज तो ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रहा है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो रहा है दीज लाइन टेल्स दैट देयर इज एन अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज तो ये है हमारे दो ऑपोजिट चार्ज और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है अट्रैक्शन अब इसी तरीके से हम जा रहे हैं रिपल्शन में तो पहले जैसे यहाँ पे पॉजिटिव होता था और इधर नेगेटिव तो यहाँ पे हम देख रहे कि यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हो रहा है रिपल्शन और इसी तरीके से बाकी फील्ड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो वो क्या है वो रिपेल हो रहे हैं। बाकी भी लाइन क्या हो रहे रिपेल हो रहे हैं तो हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर तो यहां पे लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं एंड मीन्स वो चार्जेस एग्जर्ट साइड वे प्रेशर तो क्या है जैसे मैग्नेट एक दूसरे के बीच में साइड वे प्रेशर लगाता है उसी तरीके से उसी तरीके से यह चार्जेस एक्सर्ट कर रहे हैं साइड वेज प्रेशर अब चार्जेस में भी हमारे पास क्या हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये दोनों सेम चार्ज क्यों ये भी पॉजिटिव क्यू ये भी पॉजिटिव क्यू दोनों सेम चार्ज हैं तो अगर इन दोनों के बीच में रिपल्जन होगा तो बिल्कुल इक्वल होगा तो ये इक्वल रिपल्जन शो कर रहे हैं तो ये लाइन क्या बन रही है सिमेट्रिकल से और इसी तरीके से ये फील्ड लाइन भी डाइवर्ट हो जाएगा तो वो चार्जेस आर सिमिलर दोनों सिमिलर चार्ज हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर तो लाइक चार्जेस क्या है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं अट्रैक्ट होने की जगह यहां पे क्या है यहां पे हम देख रहे हैं रिपल्जन वाली लाइन अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे होता है एक न्यूट्रल पॉइंट तो ये जो एक पॉइंट है ये है न्यूट्रल पॉइंट यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई फील्ड लाइन नहीं है तो यहाँ पे मैंने कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज डाला या कोई भी चार्ज डाला तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा यहाँ पे क्या है कि ये पूरा बैलेंस और इक्विलिब्रियम स्टेट पे है तो ना ये लेफ्ट जा रहा है ना राइट right जा रहा है ना कहीं जा रहा है ये यहीं पर रहेगा तो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट अब दिस पॉइंट इज अ सेंट्रल पॉइंट ये वाला पॉइंट क्या होता है एक सेंट्रल पॉइंट होता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ जीरो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है जीरो के बराबर अब हमारे पास जो वन चार्ज है दैट इज़ ग्रेटर देन क्यू टू सो दिस क्यूबन इज ग्रेटर देन क्यू तो ये मेरा जो Q1 है इसका चार्ज ज़्यादा है और ये जो Q2 है इसका चार्ज कम है तो ये ज्यादा इंटेंसिटी लगाएगा और ये कम इंटेंसिटी लगाएगा तो इसका ज्यादा प्रेशर होगा और इसका कम प्रेशर होगा अब यहां पे जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है वो सेंटर पे नहीं है सेंटर पॉइंट होता है ये पर इसका न्यूट्रल पॉइंट है यहां पे अब ये न्यूट्रल पॉइंट यहां पे इसलिए है क्योंकि ये दोनों चार्ज सेम नहीं है Q1 क्या है ज्यादा इंटेंसिटी का और Q2 क्या है कम इंटेंसिटी का तो इसके कारण से ये जो वाला पॉइंट है ये सेंटर पे ना होके ये है थोड़ा सा वीक फील्ड के अराउंड तो ये क्या हो गया दिस न्यूट्रल पॉइंट इज क्लोजर टू वीक चार्ज सो गाइज ये था हमारा वीडियो ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस कीप वॉचिंग आवर चैनल